मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा। ओम शांति। आज की तारीख है 13/6/2024 के बाबा के सकार महावाक्य। मीठे बच्चे पहले हर एक को ये मंत्र कूट कूट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो, तुम्हें बाप को याद करना है, याद से ही पाप कटेंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, सच्ची सेवा क्या है जो तुम अभी कर रहे हो? बाबा ने उत्तर दिया, भारत जो पतित बन गया है उसे पावन बनाना, यही सच्ची सेवा है। लोग पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो, तुम उन्हें बताओ कि हम श्रीमत पर भारत की वह रूहानी सेवा करते हैं जिससे भारत डबल सिरताज बने। भारत में जो पीस प्रॉस्पर्टी थी उसकी हम स्थापना कर रहे हैं। ओम शांति। पहला पाठ है, बच्चे अपने को आत्मा समझो अथवा मन मना भव, यह है संस्कृत अक्षर। अब बच्चे जब सर्विस करते हैं तो पहले ही उनको अलफ पढ़ाना है। जब भी कोई आए तो शिव बाबा के चित्र के आगे ले जाना है और कोई चित्र के आगे नहीं। पहले बाप के चित्र के पास उनको कहना है, बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप भी हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ, सुप्रीम गुरु भी हूँ। सबको ये पाठ सिखलाना है, शुरू ही वहाँ से करना है, अपने को आत्मा समझ और मुझ बाप को याद करो, क्योंकि तुम जो पतित बने हो फिर पावन सत्व प्रधान बनना है। इस शबक में सब बातें आ जाती हैं, सभी कोई ऐसे करते नहीं। बाबा कहते हैं पहले शिव बाबा के चित्र भी ही ले जाना है, यह बेहद का बाबा है। बाबा कहते हैं नाम एकम याद करो, अपने को आत्मा समझो तो बेड़ा पार है, याद करते करते पवित्र दुनिया में पहुंच ही जाना है। यह शबक कम से कम 3 मिनट तो घड़ी घड़ी पक्का करना है। बाप को याद किया, बाबा बाबा भी है, रचना कर चेता भी है, रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। पहले तो यह निश्चय कराना है, बाप को याद करते हो, यह नॉलेज बाप ही देते हैं, हमने भी बाप से नॉलेज ली है जो आपको देते हैं। पहले ये मंत्र पक्का कराना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो धन के बन जाएंगे, इसके ऊपर ही समझाना है। जब तक यह नहीं समझे तब तक पैर आगे बढ़ाना ही नहीं। ऐसे बाप के परिचय पर 2-4 चित्र होने चाहिए तो इस पर अच्छी रीति समझाने से उनकी बुद्धि में आ जाएगा, हमको बाप को याद करना है, वही सर्वशक्तिमान है, उनको याद करने से पाप कट जाएंगे। बाप की महिमा तो क्लियर है, पहले यह जरूर समझाना चाहिए, अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो, दे के सब संबंध भूल जाओ, मैं सिख हूँ फलाना हूँ, यह छोड़ एक बाप को याद करना है। पहले तो बुद्धि में यह मुख्य बात बिठाओ, वह बाप ही पवित्रता सुख शांति का बरसा देने वाला है। बाप ही करैक्टर्स सुधारते हैं, तो बाबा को ख्याल आया पहला पाठ इसी रीति पक्का कराते नहीं है जो है बिल्कुल ज़रूरी।
जितना ये अच्छी रीति कूटेंगे उतना बुद्धि में याद रहेगा। बाप के परिचय में भल 5 मिनट लग जाए, हटना नहीं है। बहुत रुचि से बाप की महिमा सुनेंगे। ये बाप का चित्र है मुख्य, क्यों सारी इस चित्र के आगे होनी चाहिए। बाप का पैगाम सबको देना है, फिर है रचना की नॉलेज की है। चक्कर कैसे फिरता है, जैसे मसाला कूट कूट कर एकदम महीन बनाया जाता है ना। तुम ईश्वरीय मिशन हो तो अच्छी रीति एक एक बात बुद्धि में बिठानी है, क्योंकि बाप को ना जानने कारण सब निधन के बन पड़े हैं। परिचय देना है, बाबा सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर सुप्रीम गुरु है। तीनों ही कहने से फिर सर्वव्यापी की बात बुद्धि से निकल जाएगी। यह तो पहले पहले बुद्धि में बिठाओ, बाप को याद करना है, तभी तुम पतित से पावन बन सकेंगे। देवी गुण भी धारण करने हैं, सतो प्रधान बनना है। तुम उनको बाप की याद दिलाएंगे, इसमें तुम बच्चों का भी कल्याण है, तुम भी मन मना भव रहेंगे। तुम पैगंबर हो तो बाप का परिचय देना है, एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर और गुरु भी है। बाप का परिचय सुनने से ये बहुत खुश हो जाएंगे। भगवानु वाच, माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह भी तुम जानते हो, गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई भी दिखाई है, अब और तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं। तुम्हारी लड़ाई है ही बाप को याद करने में, पढ़ाई तो अलग है, बाकी लड़ाई है याद में, क्योंकि सब हैं दे अभिमानी। बाबा कहते हैं क्योंकि सब हैं दे अभिमानी, तुम अब बनते हो देही अभिमानी। बाप को याद करने वाले पहले पहले ये पक्का करो, वह बाप टीचर गुरु है। अभी हम उनकी सुने या तुम्हारी सुने, बाप कहते हैं बच्चे अब तुम्हें पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। श्रेष्ठ बनने के लिए हम यही सेवा करते हैं, ईश्वरीय मत पर चलो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाप की श्रीमत यह है कि माँ में कम याद करो। सृष्टि का चक्कर जो समझाते हैं यह भी उनकी मत है, तुम भी पवित्र बनेंगे और बाप को याद करेंगे तो बाप कहते हैं मैं साथ ले जाऊंगा। बाबा बेहद का रूहानी पंडा भी है, उनको बुलाते हैं हे पतित पावन, हमको पावन बनाकर इस पतित दुनिया से ले चलो। वह है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी पंडा, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाप तुम बच्चों को भी कहते हैं चलते फिरते उठते बाप को याद करो, इसमें अपने को थकाने की भी दरकार नहीं। बाबा देखते हैं कभी कभी बच्चे सवेरे सवेरे आकर बैठते हैं तो जरूर थक जाते होंगे, यह तो सहज मार्ग है, हट से नहीं बैठना है, बल चक्कर लगाओ, घूमो फिरो, बहुत रुचि से बाप को याद करो। अंदर से बाबा बाबा की बहुत उछल आनी चाहिए, उछल उनको आएगी जो हर दम बाप को याद करते रहेंगे। कुछ ना कुछ और बातें जो बुद्धि में याद हैं उनको निकालना चाहिए। बाप के साथ अति प्यार रहे, वह अतिंद्रिय सुख भासता रहे। जब तुम बाप की याद में लग जाएंगे तभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। इन सब बातों का वर्णन यहाँ होता है, इसलिए गाय भी हैं। अतिंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो जिनको भगवान बाप पढ़ाते हैं। भगवानु वाच, मुझे याद करो, बाप की ही महिमा बतानी है। सदगति का बरसा तो एक बाप से ही मिलता है, सबको सदगति मिलती है जरूर, पहले सब जाएंगे शांति धाम। यह बुद्धि में होना चाहिए कि बाप हमको सतगति दे रहे हैं। शांति धाम सुख धाम किसको कहा जाता है, यह तो समझाया है। शांति धाम में सब आत्माएं रहती हैं, वह है स्वीट होम,
साइलेंस होम, टावर ऑफ साइलेंस, उसको इन आंखों से कोई देख ना सके। उन साइंस वालों की बुद्धि तो यहाँ इन आंखों से जो चीज़ देखते हैं उस पर ही चलती है। आत्माओं को तो इन आंखों से कोई देख ना सके। समझ सकते हैं, जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो बाप को फिर कैसे देख सकते हैं? ये समझ की बात है ना। इन आंखों से देखा नहीं जाता भगवानों वाज। मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे, ये किसने कहा? पूरा समझ नहीं सकते तो श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत याद करते हैं, दिन प्रतिदिन वह विचारी होते जाते हैं। भक्ति में भी पहले एक शिव की भक्ति करते हैं, वह है अवे विचारी भक्ति, फिर लक्ष्मी नारायण की भक्ति। ऊंच ते ऊंच तो है भगवान, वही वर्षा देते हैं। यह विष्णु बनने का, तुम शिववंशी बन फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। माला बनती ही तब है जब पहला पाठ अच्छी तरह पढ़ते हैं। बाप को याद करना कोई मासी का घर नहीं, मन बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एक तरफ लगाना है। जो कुछ इन आँखों से देखते हो उनसे बुद्धि योग हटा दो। बाप कहते हैं माम एकम, याद करो, इसमें मूझना नहीं है। बाप इस रथ में बैठे हैं, उनकी महिमा करते हैं, वह है निराकार। इन द्वारा तुमको घड़ी घड़ी यह याद दिलाते हैं, तुम मन मना भव हो रहो। गोया तुम सब पर उपकार करते हो, तुम खाना पकाने वालों को भी कहते हो शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ, तो खाने वालों की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। एक दो को याद दिलाना है, हर एक कुछ ना कुछ समय याद करते हैं। कोई आधा घंटा बैठते हैं, कोई 10 मिनट बैठते हैं, अच्छा 5 मिनट भी प्यार से बाप को याद किया तो राजधानी में आ जाएंगी। राजा रानी हमेशा सबको प्यार करते हैं, तुम भी प्यार के सागर बनते हो, इसलिए सब पर प्यार रहता है। प्यार ही प्यार, बाप प्यार का सागर है तो बच्चों का भी जरूर ऐसा प्यार होगा, तब वहाँ भी ऐसा प्यार रहेगा। राजा रानी का भी बहुत प्यार होता है, बच्चों का भी बहुत प्यार होता है, प्यार भी बेहद का। यहाँ तो प्यार का नाम नहीं मार है, वहाँ यह काम कटारी की हिंसा भी नहीं होती। इसलिए भारत की महिमा अपरंपार गाई हुई है, भारत जैसा पवित्र देश कोई है नहीं, यह सबसे बड़ा तीर्थ है। बाप यहाँ यानी भारत में आकर सबकी सेवा करते हैं, सबको पढ़ाते हैं, मुख्य है पढ़ाई। तुमसे कोई कोई पूछते हैं भारत की क्या सेवा करते हो, बोलो तुम चाहते हो भारत पावन हो, अब पतित है ना, तो हम श्रीमत पर भारत को पावन बनाते हैं। सबको कहते हैं बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे, यह हम रूहानी सेवा कर रहे हैं। भारत जो सिर्फ ताज था, पीस प्रापत्ति थी, वह फिर से बना रहे हैं श्रीमत पर कलर पहले माफिक ड्रामा पर अनुसार। यह अक्षर पूरे याद करो, मनुष्य चाहते भी हैं वर्ल्ड पीस हो, सो हम कर रहे हैं। भगवानों बाज, बाप हम बच्चों को समझाते रहते हैं मुझे बाप को याद करो, यह भी बाबा जानते हैं। तुम कोई इतना याद थोड़ी करते हो बाबा को, इसमें ही मेहनत है, याद से ही तुम्हारी कर्मातीत अवस्था आएगी। तुमको सदर्शन चक्करधारी बनना है, इनका अर्थ भी किसको बुद्धि में नहीं है, शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी हैं। अब बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो वह सब भूल जाना है, अपने को आत्मा समझना है, वहीं साथ चलना है, और कुछ भी साथ नहीं चलेगा। यह बाप की पढ़ाई है जो साथ चलनी है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी कम मत समझो, जितने छोटे उतना बहुत नाम निकाल सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियां बैठ बड़े बड़े बुजुर्गों को समझाएंगी तो कमाल कर दिखाएंगी, उनको भी आसमान बनाना है, कोई प्रश्न पूछे तो रिस्पॉन्स दे सके।
ऐसी तैयार करो, फिर जहाँ जहाँ सेंटर्स हो वहाँ म्यूजियम हो तो उनको भेज दे। ऐसे ग्रुप तैयार करो, टाइम तो यही है, ऐसी ऐसी सर्विस करो। बड़े बुजुर्गों को भी छोटी कुमारियाँ बैठ समझाए तो कमाल है। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, बोलो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वह निराकार है, ब्रह्मा तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से ही हमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, इन्हों को ऐसा किसने बनाया? जरूर ऐसे कर्म किए होंगे ना। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति सुनाते हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वही बाप टीचर गुरु है तो बाप समझाते हैं। मूल एक बात पर ही खड़ा कर समझाना है, पहले पहले अलग अलग को समझ जाएंगे, फिर इतने प्रश्न आदि कोई पूछेंगे नहीं। अलग समझने बिगर तुम बाकी और चित्रों पर समझाएंगे तो माथा खराब कर देंगे। पहली बात है अलग की, हम श्रीमत पर चलते हैं। ऐसे भी निकलेंगे जो कहेंगे अलग समझ लिया, बाकी यह चित्र आदि क्या देखने के हैं। हमने अलग को जानने से सब कुछ समझ लिया है, भिक्षा मिली यह गया। तुम फर्स्ट क्लास भिक्षा देते हो, बाप का परिचय देने से ही बाप को जितना याद करेंगे तो तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकरते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, इस मीठी 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 मुरली के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, अतींद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर बाबा बाबा की उछल आती रहे। हठ से नहीं, रुचि से बाप को चलते फिरते याद करो। बुद्धि सर्व तरफ से हटाकर एक में लगाओ। नंबर दो, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान प्यार का सागर बनना है। सब पर उपकार करना है, बाप की याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना है। वरदान सतगुरु परम पिता परमात्मा जी का, शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनों की भाषा है। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे शांति की शक्ति के आधार पर नैनों की भाषा से नैनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। स्थूल सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है। इस शस्त्र द्वारा अशांत विषय को शांत बना सकते हो। स्लोगन, निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना, यही सच्ची सेवा का सबूत है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना, यही सच्ची सेवा का सबूत है। ओम शांति।